सईद, कल के मैच के बारे में बात करें तो इंग्लैंड को जिस तरह से जिन लड़ा है अफगानिस्तान का, वो तो आप नहीं भूलने वाले, क्योंकि बहुत बड़ी शिकस्त है। और अपसेट अपसेट की बात कर रहे थे, वर्ल्ड कप में ये पहला बड़ा अपसेट हुआ है। बिल्कुल ज़रूर हुआ है, और क्रेडिट जाता है अफगानिस्तान की बॉलिंग को। मैंने कल कहा था क्रेडिट शहजाद साहब, मुझे जाता है मुझे जाता है, मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप इन्होंने दियो सारा क्रेडिट ही इन्होंने जाना है। और वर्ल्ड कप की कमाई किसको दे, कमाई भी इनको दे। थैंक यू जी। एक्चुअली पता क्या है, दो चीज़ें हैं जी। जब अफगानिस्तान, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान को बैटिंग की, जिस वे में उन्होंने पॉजिटिव बैटिंग स्टार्ट की, वो बड़े खुशाइन थी उनके लिए। और प्लस उन्होंने 250 से ज़्यादा रन किसी भी टीम के खिलाफ जब भी बनाने हैं ना, तो वो ग्रीन ट्रैक ना हो, दूसरा स्पोर्टिंग ट्रैक हो, तो उसमें तो उन्होंने ले उठना है। सही, ज़रा सी उनको हेल्प मिलनी है, उन्होंने ले जाना है। और दूसरा, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है और जिस तरह से इंग्लैंड ने बैटिंग की है, उनको तो उन्होंने हिलने का मौका भी नहीं दिया। और कहीं भी आपको लगा हो कि इंग्लैंड के हाथ में मैच गया, नो वे। और अफगानिस्तान ने फील्डिंग भी बड़ी अच्छी की। अच्छा, आप समझते हैं हर चीज में उनका पॉजिटिव वे में वो, आप समझते हैं कि उस दिन आपको अपसेट दिखाई देता है जिस दिन आप किसी को बहुत ज्यादा फैंटेसाइज कर दें और वो उस तरीके की परफॉर्मेंस ना दे पाए जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी उनके आसाब पे छाए हुए थे, और रवि शास्त्री ने जब वो आउट ना कर पाए और रन दे रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ये वसीम अकरम नहीं है, नहीं है, ये ग्रेट प्लेयर नहीं है, एक अच्छा प्लेयर है। जो अच्छा है उसे अच्छा कहना चाहिए, लेकिन ये ग्रेट प्लेयर नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि ज्यादा चढ़ाना इनको मुनासिब भी नहीं, कह रहे कि बुमराह जो है वो बेटर प्लेयर है, बेटर बॉलर है, अगर कंपेयर किया जाए शाहीन से। तो देखें, दो चीजें, एक होता है बॉलर विकेट टेकिंग, एक बॉलर होता है दोनों जिसके पास रोल होते हैं, विकेट भी लेनी है और टीम को स्कोर भी नहीं करने देना, वो होता है ग्रेट प्लेयर। ग्रेट प्लेयर उसको कहते हैं जो हर दूसरे मैच में अपना लोहा मनवा के जाता है। मतलब कि आप बुमराह है, बुमराह अगर विकेट नहीं लेता, मैं कहता चलो बुमराह ने विकेट नहीं ली, मगर उसको स्कोर भी 40 से 45 पड़ते हैं। हम अगर विकेट नहीं लेते, 5 ओवर में 70 खा जाते हैं, हम चेक करना शुरू कर देते हैं बॉल कहाँ पे, बॉलर बैटर स्ट्रांग है उसको वहाँ पे बॉल देनी। अब आपको खुद एडजस्ट करना होता है ग्राउंड के अंदर कि आपने विकेट को 4 से 5 बॉल करके आपको पता चल जाता है विकेट का सिनेरियो क्या है, ऐसा ही है। उसके बाद प्लेयर अच्छा वही है जो उसके हिसाब से खेलता है। अब पाकिस्तान की बैटिंग देख ले, लो बाउंस पिच पे कितने प्लेयर पीछे जाके आउट हुए, कितने प्लेयरों ने क्रॉस मारा है। और जब लो बाउंस या डबल पेस वाली पिच होती है, उसमें एक चीज को आपने एडजस्ट करना है। आज की, तो आज की सही भाई पिच रिपोर्ट इस वक्त सामने आ रही है, आज की पिच को देख के आपको क्या लग रहा है? एक तो मेरे ख्याल से बारिश का भी इम्कान है आज। पिच जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखी है, मुझे लग रहा है कि पिच ओके है, और बैटिंग मेरे ख्याल में सही है। थोड़ा बहुत क्रैक्स इसमें नज़र आ रहे हैं, बट जो मैंने क्रिकेट अनुभव पढ़ा है उसमें कह रहे हैं कि लुक पिच लुक ओके फॉर द बोटिंग। अच्छा, पाकिस्तान के मैच में रिजवान और बाबर की जब पार्टनरशिप चल रही थी, तो हमें ये लग रहा था कि पार्टनरशिप चले ये अच्छा है, ये अच्छा खेल रहा है। तो बकौल इंडियन प्लेयर्स वो कहते हैं कि हमारे लिए कोई मसला नहीं था क्योंकि दोनों प्लेयर्स ही डर के खेल रहे। देखिए, उनके ओ हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या ने भी ये पांड्या ने कहा है कि हम उस वक्त जीत गए थे, हम अटैक कर दें, हमें पता है कि ये बाबर एंड रिजवान खुल के नहीं खेल रहे। देखिए, जब आप सेट हो जाते हैं ना, 25-30-40 बॉल आप खा जाते हैं, उसके बाद आपको स्कोर करना पड़ता है। और जब आपने खा ही लिए हैं तो फिर टीम के लिए करो भाई, अब निकालो उसमें से हमको, कहाँ से निकालेंगे, थोड़ा तेज़ खेलो। अब गुरबाज एक साइड पे फुल तेज़ खेल रहा था, जैसे यस्टरडे मैच है, दूसरी साइड से वो क्या कर रहा था, प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहे दे रहा था, सिंगल ले रहा था, स्ट्राइक रोटेट कर रहा था ताकि मैक्सिमम उनको पावर प्ले के अंदर बॉल मिल जाए, जो गुरबाज के लिए बड़े अच्छे होते हैं। और गुरबाज जिस तरह से खेलता है सबको पता है, अगर वो खड़ा है तो डेंजर है। हमारे जो ओपनर दोनों हैं, उन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया है, सामने से शॉट खेले, अब्दुल्ला शफीक नहीं, अब इन्होंने बुमराह को बिल्कुल स्ट्रेट सामने खेला, उसके बाद पीछे क्यों क्रॉस क्यों गया, क्या उनको पता नहीं चल रहा था कि भाई नी हाइट पे तो बॉल आ रहा है, तो आप फ्रंट फुट पे रहो। इमाम को तो उन्होंने कह के आउट किया ना, जब वो कह रहे हैं काला जादू करके आउट किया, मैं काला जादू को खैर मैं मानता हूँ, बट इतना सवेर नहीं मानता।